वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे क्लास मेमेलिया के बारे में, यानी वर्ग स्तनी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो क्लास मेमेलिया है उसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हम क्लास मेमेलिया के जो जनरल करेक्टर्स हैं, सामान्य जो लक्षण हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। शुरू करते हैं मेमेलिया का क्लासिफिकेशन। क्लास मेमेलिया को दो सब क्लास प्रोटोथीरिया एंड सेकेंड थीरिया में डिवाइड किया गया है। प्रोटोथीरिया एंड थीरिया दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। सब क्लास प्रोटोथीरिया को ऑर्डर मोनोट्रीमाटा को में डिवाइड किया गया है तथा सब क्लास थीरिया को दो इंफ्राक्लास फर्स्ट मेटाथीरिया एंड सेकंड यूथीरिया में डिवाइड किया गया है। मींस सब क्लास थीरिया को हमने इंफ्राक्लास दो इंफ्राक्लास में डिवाइड किया गया है, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया के अंतर्गत एक ही ऑर्डर है मार्सुपियलिया एंड इंफ्राक्लास यूथीरिया के अंतर्गत 16 ऑर्डर हैं, 16 अलग अलग ऑर्डर हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब क्लास फर्स्ट जो हमारा प्रोटोथीरिया है उसके बारे में। प्रोटोथीरिया, देखो प्रो यहां पर आशय है प्रीमिटिव से, यानी आदिम से, यानी जो प्रोटोथीरिया में जो एनिमल्स रखे गए हैं वो प्रीमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं। इन्हें अन्य जीवों से तो उच्च माना गया है, लेकिन मैमल्स में यानी स्तनियों में ये दूसरे स्तनियों की तुलना में प्रिमिटिव होते हैं, आदिम होते हैं। क्यों होते हैं आदिम? क्योंकि इन एनिमल्स के द्वारा बच्चे नहीं देकर एग दिए जाते हैं, यानी मैमल्स में एग दिए जाने का यही एकमात्र सब क्लास है, वो है प्रोटोथीरिया। ये एनिमल्स होते हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी एग देते हैं, और इनके एग शेल्ड होते हैं यानी कवचित अंडे होते हैं, और ये प्रिमिटिव मैमल्स कहलाते हैं। पार्शियली होमियोथर्म्स, ये अपना तापमान एक नियत तक ही रेगुलेट कर पाते हैं, या हम कहें बहुत ही कम तरह से इनका शरीर का तापमान स्थिर रहता है। कुछ बाहरी वातावरण में बदलाव होने से इसके आंतरिक वातावरण में भी बदलाव होता है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं, पार्शियली होता है, यानी आंशिक रूप से ये नियत तापी होते हैं। नेक्स्ट हम इसी में बात करें प्रोटोथीरिया को, मेमरी ग्लैंड विदाउट निप्पल्स। देखो जो क्लास मेमेलिया है उन सभी में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, स्तनी ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि प्रोटोथीरिया में जो पाई जा रही है वो विदाउट निप्पल्स, यानी इसमें चुचुक नहीं पाए जाते हैं, निप्पल एब्सेंट होते हैं। इसी में नेक्स्ट बात करें, ईयर पिन्ने एब्सेंट होते हैं। जब हम दूसरे एनिमल्स को देखेंगे तो वहां पर ईयर जो कर्ण पल्लव है वो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटोथीरिया में ईयर पिन्ना एब्सेंट होते हैं। क्लोइका प्रेजेंट, क्लोइका पाया जाता है। जब हम और अन्य पढ़ेंगे तो वहां पर क्लोइका नहीं पाया जाता है, वहां पर एनस पाया जाता है। कार्पस कैलोसम ऑल्सो एब्सेंट। कार्पस कैलोसम जो कि प्रमस्तिष्क, जो सेरेब्रम के जो दो भाग हैं उनको जोड़ने वाली योजक कड़ी है, जोड़ने वाली संरचना है, वो संरचना कार्पस कैलोसम प्रोटोथीरिया में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। टूथलेस होनी बीक, इनमें क्या है, बीक पाई जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रोटोथीरिया का एक एनिमल्स है, इसमें बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। बट लेकिन क्या होता है, इन चाइल्डहुड स्टेज टीथ प्रेजेंट, इसी बीक में बचपन में यानी ये जब छोटे होते हैं तब इनमें टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। गाइनेकोमेस्टिज्म पाई जाती है। गाइनेकोमेस्टिज्म का मतलब ये हुआ यहां पर कि मेल एंड फीमेल में
एक्टिव मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। जबकि हम आगे दूसरे जब मैमल्स के एग्जांपल पढ़ेंगे वहां हम ये देखेंगे कि फीमेल में ही सिर्फ एक्टिव मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन सब क्लास प्रोटोथीरिया में मेल में भी ये एक्टिव पाई जाती है और फीमेल में भी एक्टिव पाई जाती है। इस कंडीशन को गाइनेकोमेस्टिज्म कहते हैं। ये एनिमल्स प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, यानी ये एंडेमिक होते हैं, पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं और तस्मानिया दो जगह है वहां पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोटोथीरिया के। जैसे कि आपको यहां पर दो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटोथीरिया को हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, सिंगल ऑर्डर है, वो है मोनोट्रीमेटा। मोनोट्रीमेटा इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मेमेलिया, यानी जो क्लास रेप्टाइल्स है और मेमेलिया है, मेमल्स का जो क्लास है, उनके बीच की योजक कड़ी इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल ओर्निथोरिंकस, ओर्निथोरिंकस इसको कहते हैं डक बिल प्लेटिपस, यानी जो इसकी बिल होती है, चोंच होती है, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आपने जो बतख देखी होगी उसके चोंच जैसी ये चोंच होती है, बिल होती है, इसलिए इसको डक बिल प्लेटिपस नाम दिया गया है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल है पॉइजनस ग्लैंड, मेल के पास में, यानी जो नर प्लेटिपस होगा उसके पास में पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है जो उसके पैर में स्थित होती है। पूरे मेमल्स में, क्लास मेमल्स में एकमात्र यही एनिमल्स ऐसा है जिसके पास पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एकमात्र कौन सा मेमल है जिसके पास पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, तो उसका नाम है डक बिल प्लेटिपस ओर्निथोरिंकस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं टैकीग्लोसस, इसको कहते हैं एकिडना या स्पाइनी एंटीटर। आप इस एनिमल्स को ध्यान से देखिए, इसकी जो आगे नोस्ट्रिल है वो ट्यूब लाइक होता है, इसके जो बॉडी पे हेयर्स पाए जा रहे हैं वो स्पाइन्स में, यानी सूक में रूपांतरित हो जाते हैं। ये थे सब क्लास प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल दो जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट सब क्लास के बारे में बात करते हैं जो है थीरिया, जो सेकेंड क्लास है थीरिया, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो थीरिया सब क्लास है उसको हमने इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया एंड इंफ्रा क्लास यूथीरिया में डिवाइड किया गया है। हम थीरिया के कुछ करेक्टर्स देखते हैं। विवीपेरस होते हैं, यानी बच्चे देने वाले होते हैं। ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड हैव निप्पल्स, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है तथा निप्पल्स युक्त होती है। इनमें क्लोइका एब्सेंट होता है। कार्पस कैलोसम स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम वो समझते हैं, सबसे पहली जो इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया जिसमें कंगारू आते हैं, पढ़ते हैं इसको। मार्सुपियम प्रेजेंट, मेटाथीरियंस में मार्सुपियम एक पाउच पाया जाता है, वो इसमें पाई जाती है। आप यहां पर एक डायग्राम देखिए नीचे कंगारू का, ये कंगारू के पास में यहां पर ये मार्सुपियम है जिसके अंदर ये यंग वन एनिमल्स रहता है, इसको हमने नाम दिया है एब्डोमिनल पाउच, विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर यंग वंस। और ये जो आपको मार्सुपियम जो दिखाई दे रही है, मार्सुपियम जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, यंग वंस के डेवलपमेंट में मदद करती है। इनमें भी कार्पस कैलोसम प्रोटोथीरिया के समान एब्सेंट होता है। पेनिस इनमें बाइफिड होता है, यानी इसमें दो उसके छोर पाए जाते हैं। फीमेल है टू वेजेना, फीमेल के पास में दो वेजाइना होते हैं एंड टू यूट्रस, और दो यूट्रस होते हैं, गर्भाशय होते हैं।
योग सेक प्लेसेंटा, इसमें जो अपरा पाया जाएगा, प्लेसेंटा जो पाया जाएगा वो योग सेक प्रकार का होगा। ये ओवो वीवी पेरस होते हैं। ओवो वीवी पेरस का आशय है ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर यंग वन, और इन इमेच्योर यंग वंस को वो अपनी मार्सुपियम में रखते हैं, उनको आगे मैच्योर स्टेज पर ले जाने का काम करते हैं। इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया में एक ऑर्डर है मार्सुपियलिया। मार्सुपियलिया में एग्जाम्पल्स है यानी उदाहरण है, सबसे पहले है ओपोसम। ओपोसम इसको डाइडेल्फिस भी कहते हैं। यहां आपको ऊपर ही ऊपर ये है ओपोसम। ओपोसम इसमें गेस्टेशन पीरियड जो होता है यानी इसके गर्भाशय में जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही कम समय लगता है, लगभग इसमें 10 से 15 दिन के आसपास इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू कहते हैं। कंगारू आप इससे फेमिलियर है, फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, जो कि ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन रीजन में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रा क्लास जो सेकंड है यूथीरिया। यूथीरिया, अब यूथीरिया में हमने 16 ऑर्डर के बारे में सुना। 16 ऑर्डर कौन कौन से हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिटेल से हम आगे पढ़ते हैं इनके उदाहरणों के साथ में। सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा ऐसे ही है। सेकंड है काइरोप्टेरा, नेक्स्ट है डर्मोप्टेरा, देन है इडेंटाटा, देन है फोलोडाटा, देन है ट्यूबिली डेंटाटा, देन रोडेंसिया, लेगोमोर्फा, नाइन्थ है सिटेसिया, टेंथ में है साइरेंसिया, नेक्स्ट है कार्निवोरा, नेक्स्ट है हायरेकोइडिया, नेक्स्ट है प्रोबोसिडिया, नेक्स्ट है पेरिसोडेक्टाइला, देन है आर्टियोडेक्टाइला, एंड लास्ट जो सबसे उच्चतम जिसमें हम खुद शामिल हैं प्राइमेट्स। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये एनिमल्स इंसेक्ट को ईट करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं। ये एनिमल्स बरोविंग होते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, नॉक्टुरनल होते हैं यानी रात्रिचर होते हैं, एंड इंसेक्टिवोरस एनिमल और इंसेक्ट को कीड़े को खाने वाले जीव हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हेजहॉग, जिसको हम झाऊ चूहा कहते हैं। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। इसका जीनस है एरिनासियस। एरिनासियस इसका जीनस है। यहां डायग्राम में आपको हेजहॉग दिखाया गया है। नेक्स्ट है सोरेक्स, जो श्रियु कहलाते हैं। ये स्मॉलेस्ट मेमल्स हैं यानी स्त्रियों में सबसे छोटे एनिमल्स हैं, और हम ये अज्यूम किया गया है कि इन श्रियु से ही मेमल्स की उत्पत्ति हुई है। इसका जीनस है सोरेक्स, जो कि आपको डायग्राम में यहां पर एक श्रियु दिखाया गया है। नेक्स्ट हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा जिसका मतलब होता है हैंड विंग, यानी इसमें जो विंग्स होते हैं वो हाथ के समान काम करते हैं। इनके जो हाथ पैर होते हैं उनमें विंग्स पाए जाते हैं, पंख जैसे संरचना पाई जाती है। काइरोप्टेरा में चमगादड़ यानी जो बैट्स होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। फ्लाइंग मैमल्स, इन्हीं को फ्लाइंग मैमल्स कहा गया है यानी उड़ने वाले स्तनी कहा गया है, और इनको सामान्य रूप से बैट्स कहा जाता है।
इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है पेटेजियम। पेटेजियम, पेटेजियम क्या होता है? फोल्ड ऑफ स्किन इन बिटवीन फोर एंड हिंड लिम्स, जो आगे वाले पैर और पीछे वाले जो पैर होते हैं उसके बीच में स्किन का फोल्ड जो बना होता है उसको पेटेजियम कहते हैं। और जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर टेरोपस जो कि बैट है, वो उसके आगे वाले पैर और पीछे वाले जो पैर हैं इनके बीच में स्किन का फोल्ड है और वो हो पेटेजियम कहलाता है। इनमें इकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, यानी ये कहीं दूर की साउंड को महसूस कर सकती है, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि बैट खुद साउंड प्रोड्यूस करती है और जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकरा कर वापस आती है तो उसको रिसीव करने का काम इकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है और इसी से ही ये अपने प्रे को आइडेंटिफाई करती है, अपना फूड उसी से लेने का काम करती है। इसके काइरोप्टेरा के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यानी बैट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल टेरोपस, जो कि सबसे कॉमन है, इसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स और ये फ्रूटीवोरस होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो बैट्स होती है, आपको फलाहारी जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे आप पीपल के नीचे भी देख सकते हैं, बरगद के नीचे भी आप इन बैट्स को देख सकते हैं। ये फ्रूटीवोरस होती हैं, यानी फल खाने का काम करते हैं, फल खाते हैं। नेक्स्ट इसी में है डेस्मोडस। डेस्मोडस जिसको वैम्पायर बैट कहते हैं, ये सैंग्वीवोरस होते हैं, यानी रक्त को खाने वाले होते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम जो दिखाया गया है, ये एक गोट बकरी है जिसकी स्किन के ऊपर एक बैट, यहाँ पर आप देखिए इस बैट को, यहाँ पर एक बैट बैठी हुई है, इसको यहाँ से स्किन जो रप्चर हो चुकी है वहाँ से ये ब्लड को लेने का काम करती है, यानी रक्त को ग्रहण करती है, इसलिए ये सैंग्वीवोरस है। नेक्स्ट अब ऑर्डर थर्ड में बात करते हैं डर्मोप्टेरा। इसमें क्या होता है? स्किन विंग। इसमें आप देख पा रहे हैं, डायग्राम को देखिए, ये आगे वाले पैर हैं और ये पीछे वाले पैर हैं और यहाँ पर जो ये भाग है ये पूंछ है इसकी, और इस तरह से यहाँ से पैर हैं, आगे वाले पैर इस तरह से हैं। तो इसमें क्या हुआ, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर और पूंछ पूरी बॉडी के चारों तरफ स्किन कवर हो जाती है, यानी जो हम जिसको हमने नाम दिया गया है पेटेजियम, वो पूरी आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर और पूंछ के भागों को, सभी भागों को कवर करती है। फोर इक्वल साइज लिम्स, इसमें जो दोनों लिम्स होते हैं आगे वाले पैरों वाले और पीछे वाले पैर, वो बराबर साइज के होते हैं। एंड टेल इंक्लूड ए लेटरल फरी स्किन फोल्ड, और टेल के साथ में भी एक लेटरल फरी स्किन का फोल्ड पाया जाता है। ऑल ओवर ये जो पूरा स्किन का जो फोल्ड है वो पेटेजियम कहलाता है, पेटेजियम कहलाता है। एक ग्लाइडिंग मैमल्स कॉल्ड फ्लाइंग लेमूर, इनको फ्लाइंग लेमूर कहा जाता है, ये ग्लाइडिंग करते हैं। ग्लाइडिंग मतलब किसी बड़े वृक्ष के ऊपर से, किसी बड़े वृक्ष के ऊपर से किसी छोटे वृक्ष के ऊपर से ये उड़ के इस पे आती है। ये ऊपर की तरफ गति नहीं कर सकती है, हमेशा नीचे की तरफ ही गति करती है, तो इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। एग्जाम्पल है इसका गैलियोपिथेकस, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर फोर, जिसमें जिसको कहा गया है इडंटाटा। इडंटाटा इसमें क्या होता है? एक्सोस्केलेटन मेड बाय बोनी प्लेट्स, जो बाहें कंकाल होता है वो बोनी प्लेट्स का बना हुआ होता है और हॉर्नी स्केल्स का बना हुआ होता है। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है ब्रेडिपस। ब्रेडिपस आपको यहाँ आपको डायग्राम में जो दिखाई दिया है इसको कहते हैं थ्री टो स्लोथ और आर्बोरियल स्लोथ। आप इसके हाथों में
तीन टोय देख रहे हैं, तीन अंगूठे देख रहे हैं, ये बिल्कुल तिकने होते हैं, इसको आर्बोरियल स्लोथ कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्मिकोफेगा। मिर्मिकोफेगा इसको कहते हैं जाइंट एंट ईटर, ये एंट्स को खाते हैं इसलिए इसको नाम दिया गया है एंट ईटर। जाइंट क्योंकि बहुत बड़ा होता है आकार में, इसलिए इसको जाइंट एंट ईटर नाम दिया गया है। इसका जीनस है मिर्मिकोफेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर फोलोडोटा, जिसमें हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो डायग्राम जो देख पा रहे हैं वो है मेनिस पेंगोलिन का। इसमें टीथ एब्सेंट होते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं, टंग जो पाई जाती है, जीभ जो इनमें पाई जाती है वो लंबी होती है। एग्जाम्पल इसका मेनिस, जिसको हम पेंगोलिन कहते हैं, इसको स्केली एंटीटर भी कहते हैं, क्योंकि आप इसकी बॉडी को जब ध्यान से देखेंगे तो स्केल्स इसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 जिसको ट्यूबिली डेंटाटा, जिसमें ट्यूब लाइक टीथ होते हैं, दांत ट्यूब के समान होता है, इसका जो माउथ होता है वो भी इस तरह से जहाँ आपका डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है स्नोट ऐसा होता है। टंग इसमें जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है। टीथ इसमें पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है इसका ओरिक टेरोपस, इसको कहते हैं कैप एंटीटर या पिग लाइक आर्डावाक। ये कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 7, जिसमें रोडेंसिया, यानी जिसको हमने रोडेंसिया कहा है, ये इसमें ग्नोविंग एनिमल्स होते हैं। ग्नोविंग मींस जो कुतर कुतर कर खाते हैं खाना अपना, उस एनिमल्स को इसमें रखा गया है। ये लार्जेस्ट ऑर्डर है, पूरे मैमल्स में सबसे बड़ा ऑर्डर रोडेंसिया है। ये एनिमल्स स्मॉल होते हैं एंड ग्नोविंग एनिमल्स होते हैं, कुतर कुतर कर खाने वाले होते हैं। इनसे आप फेमिलियर हैं, एग्जाम्पल जैसे कि फुनम्बुलस, जिसको इंडियन पाम स्क्वेरल कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये गिलहरी आपने अपने आसपास देखा होगा। रेटस, जिसको हाउस रेट कहते हैं, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में आपने घर पे भी देखा होगा। नेक्स्ट है पोर्क्यूपाइन, जिसको हिस्ट्रिक्स भी कहते हैं या जिसको सेही भी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, हेयर्स कन्वर्ट इनटू क्विल्स, इसमें जो ये बड़े बड़े जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्विल्स हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे इसको एनिमल्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसके अलावा एग्जाम्पल है डाइपोडोमिस, जिसको कंगारू रेट भी कहते हैं, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 8 में लेगोमोर्फा, ये हेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जो हेयर होते हैं रैबिट जैसा होता है वैसे इसमें संरचना पाई जाती है। हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। कैनाइन इसमें एब्सेंट होते हैं, कैनाइंस तो टीथ होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। डायस्टेमा पाया जाता है, डायस्टेमा दांतों के बीच में पाया जाने वाला रिक्त स्थान होता है, जो इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल ओरिक्टोलेगस, जिसको रैबिट कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दूसरा है लीपस, जिसको हेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 9 में, ये सिटेशिया का कहते हैं इसको,
जिसमें व्हेल फॉर्म आती है। फिश लाइक मैराइन मैमल्स, ये मछली के समान समुद्री एनिमल्स होते हैं। हेयर्स ऑन स्किन आर रिड्यूस, इनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ही कम विकसित होते हैं। ईयर पिन्ना एंड हिंड लिम्स आर एब्सेंट, इम्पोर्टेंट है ये, जो ईयर पिन्ना है वो अनुपस्थित होते हैं, साथ ही साथ इनमें जो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। ब्लबर, ब्लबर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि थिक बैरियर की तरह काम करती है। ये क्या होती है ब्लबर? ए थिक बैरियर लेयर ऑफ फैट्स आर प्रेजेंट इनटू द बिलो द स्किन, एक थिक बैरियर लेयर होती है फैट्स की बनी हुई, वसा से बनी हुई, जो कि स्किन के जस्ट नीचे की तरफ होती है और इसका काम हीट रेजिस्टेंस से है, यानी ताप के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने से है। एग्जाम्पल फाइसेटर कैटाडोन, इसको कहते हैं स्पर्म व्हेल, स्पर्म के आकार होने के कारण इसको स्पर्म व्हेल कहते हैं। ओर्सिनस किलर व्हेल कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में एग्जाम्पल प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, ये आप ध्यान रखेंगे प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, इसको कहते हैं गंगेस डॉल्फिन, यानी गंगे डॉल्फिन। इसका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गंगा में पाई जाती है और इसके कंजर्वेशन के लिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं। नेक्स्ट है बेलेनोप्टेरा मस्कुलस, जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों एनिमल्स का आप लोग वैज्ञानिक नाम ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखो ये है स्पर्म व्हेल, आप ह्यूमंस के तुलना में कर सकते हो कि कितने बड़े आकार की ये होती है। ऐसे ही किलर जो व्हेल है ओर्सिनस, वो भी आप देख सकते हैं। ब्लू व्हेल जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे बड़े एनिमल्स के रूप में ब्लू व्हेल को जाना जाता है, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्लू व्हेल एक मैमल है न कि एक मछली, ये इम्पोर्टेंट है। ये है गंगे डॉल्फिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट ऑर्डर की, जो है साइरेनिया। साइरेनिया इसके सी निम्फ फॉर्म जैसा दिखाई देता है, सी निम्फ कहते हैं इसको। हर्बीवोरस होते हैं, यानी ये एनिमल्स शाकाहारी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर पाए जा रहे हैं। फोर लिम कन्वर्ट इनटू पैडल, इसमें जो आगे वाले जो पैर हैं, आप इस डायग्राम में भी देखिए, आगे वाले जो पैर हैं वो पैडल में बदल गए हैं, और इस पैडल की सहायता से ये पानी में गति कर देती है, तैरती है। हिंड लिम्स एब्सेंट, इसमें भी ओडस सिटेसिया की तरह जो हिंड लिम होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल इसमें है राइटिना, जिसको सी कव कहते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है ट्राइकिकस, इसको मेंटीज कहते हैं। नेक्स्ट है हेलिकोर, जिसको डुगोंग कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर 11 में कार्निवोरा, यानी जो कार्निवोरस होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मांस को खाने वाले होते हैं, उन एनिमल्स को ऑर्डर कार्निवोरा में शामिल किया गया है। कैनाइन्स टीथ वेल डेवलप, इनमें जो कैनाइन्स टीथ होते हैं वो सुविकसित होते हैं। कार्नेशियल टीथ, यहाँ पर इनमें कार्नेशियल टीथ जो पाए जाते हैं वो डेवलप होते हैं। कार्नेशियल टीथ कौन कौन से होते हैं? अपर लास्ट प्री मोलर टीथ और लोअर फर्स्ट मोलर, ये जो टीथ होते हैं उनको कार्नेशियल टीथ कहते हैं, क्योंकि ये मदद करते हैं किसमें, ये अपने शिकारी को पकड़ने में मदद करते हैं। डिजिटिक्रेट लोकोमोशन पाया जाता है,
इसके एग्जाम्पल से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे, इंटरेस्टिंग भी है। एग्जाम्पल जैसे कैनिस फेमिलेरिस, कैनिस फेमिलेरिस जिसको डोमेस्टिक के डॉग कहते हैं, ऐसे ही फेलिस डोमेस्टिकस जिसको डोमेस्टिक केट कहते हैं, पैंथेरा लियो जो कि शेर का वैज्ञानिक नाम है, जो कि भारत में गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पर ये पाया जाता है, पैंथेरा पार्डस जो कि जिसको लियोपार्ड कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस जिसको टाइगर कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एसिनोनिक्स जुबाटस, एसिनोनिक्स जुबाटस इसको कहते हैं चीता, और यह भारत में नहीं पाया जाता है, पहले पाया जाता था, ये भारत से विलुप्त हो चुका है, भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है वल्पस बेंगालेंसिस, ये है फॉक्स, हर्पेस्टिस इसको मंगूज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेवला, नेवला इसको कहते हैं, मालूरस अर्सिनस स्लोथ बियर इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर घरेलू कुत्ता हमें दिखाई दे रहा है, घरेलू बिल्ली हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें पैंथेरा लियो जो शेर है वो दिखाई दे रहा है, पैंथेरा जो लियो है, ये पैंथेरा पार्डस है, पैंथेरा टाइगरिनस है, ये चीता आपको दिखाई दे रहा है जो कि भारत में अभी नहीं पाया जाता है, ये फॉक्स है, ये नेवला है, मंगूस है, और ये स्लोथ बियर है, बेयर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कार्निवोरा ऑर्डर के बाद में, ऑर्डर 12 में हायरेकोइडिया, हायरेकोइडिया में श्रू फॉर्म आते हैं, स्मॉल गुनिया पिग लाइक एनिमल्स होते हैं, स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, थिक सेट होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं, प्रेजेंट इन एशिया एंड अफ्रीका दोनों जगह में पाए जाते हैं ये मैमल्स। एग्जाम्पल है हायरेक्स जो कि आपको डायग्राम में जो दिखाई दिया गया है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट पे, यानी स्थलीय भाग पर सबसे बड़े एनिमल्स हैं एलिफेंट, टस्क इनमें पाए जाते हैं, जो टस्क होते हैं उनको अपर इंसाइजर है और वो लॉन्ग होते हैं और ट्यूब के समान होते हैं। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल इसमें फेमस है, इलाफस मैक्सिमस, इलाफस मैक्सिमस इसको कहते हैं इंडियन एलिफेंट या एशियाटिक एलिफेंट। नेक्स्ट है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये है अफ्रीकन एलिफेंट, ये है लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यहाँ पर हमने अफ्रीकन एलिफेंट को लार्जेस्ट लैंड एनिमल कहा है क्योंकि यह एशियाटिक एलिफेंट की तुलना में बड़ा होता है, आकार में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हमने अफ्रीकन एलिफेंट को सबसे बड़ा लैंड एनिमल कहा है। यहाँ हमारे पास दो डायग्राम है, दोनों डायग्रामों में हम पता कर सकते हैं इजीली कि इसमें इंडियन एलिफेंट कौन सा है, यानी इलाफस मैक्सिमस कौन सा है और लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना कौन सा है। देखो जो यहाँ दो डायग्रामों में एक पहला जो ये पहला डायग्राम है, ये आप इस डायग्राम में दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, एक तो इनके बैक का रीजन का जो हम्प वाला रीजन है वो एक नोटिस करेंगे, दूसरा जो भाग है आप जो इसके ईयर देखेंगे कान देखेंगे उसमें भी आपको फर्क दिखेगा, आपके आगे वाला जो भाग है उसमें भी आप फर्क देख पा रहे होंगे। इनमें से हमें जो पहला जो डायग्राम है यानी जो पहला एलिफेंट है वो है इलाफस मैक्सिमस, इसको कहते हैं इंडियन एलिफेंट या हम कहें इलाफस मैक्सिमस, और जो सेकंड है वो है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट में हम्प पाया जाता है, पूरी तरह से ये उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है, दोनों तरफ हमें इस तरह का दिखाई देता है। इसके अलावा
एशियाटिक एलिफेंट की तुलना में इसमें जो अफ्रीकन एलिफेंट में इसमें जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ऑल ओवर भी इसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिसोडैक्टाइला के बारे में, ऑर्डर 14 में पेरिसोडैक्टाइला के बारे में। इसमें क्या होता है, इसको नाम जो दिया गया है, डैक्टाइल्स मीन्स टॉय अंगुलियां, पेरिसो का मतलब हो गया ओड नंबर यानी विषम संख्या में इसमें टॉयज पाए जाते हैं, अंगुलियां पाई जाती है। ओड टोड नंबर ऑफ हुप्स, इसमें जो क्या होता है, जो इसके पैर होते हैं वो क्या है, पहले उसमें अंगुलियां पाई जाती थी लेकिन उद्विकास के साथ साथ में इसमें अंगुलियां एक या दो या इस तरह कम हो जाती है। तो उनमें पेरिसोडैक्टाइला में क्या होता है कि ओड नंबर में यानी विषम संख्या में इसमें अंगुलियां पाई जाती है, वो या तो एक हो सकती है या तीन हो सकती है, या तो एक पाई जाएगी या तीन पाई जाएगी। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इक्वस काबालस जो कि हॉर्स है जो आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इक्वस एसिनस जिसको कहते हैं डंकी गधा जिसको कहते हैं, इक्वस जेब्रा इसको जेब्रा कहते हैं, जेब्रा स्ट्रिप पाई जाती है इसमें, राइनोसिरोस यूनिकोरस, ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से राइनोसिरोस यूनिकोरस इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इंडियन राइनोसिरोस या वन हॉर्न राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस क्योंकि इसमें आगे के सिर के बाद की तरफ एक ही हॉर्न पाया जाता है इसलिए इसको वन हॉर्न राइनोसिरस कहते हैं। ये आसाम के, भारत में आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टियोडैक्टाइला, यानी इसमें जो टॉय पाए जाएंगे, डिजिट जो पाई जाएगी वो इवन नंबर में पाई जाएगी, दो चार इस तरह से इनमें पाए जाएंगे। ये रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले होते हैं। इसमें रूमिनेंट्स अधिकांश सदस्य तो जुगाली करने वाले होते हैं लेकिन जो पिग होता है, सुअर होता है और हिप्पोपोटामस होता है वो जुगाली नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बोस इंडिकस काऊ यानी गाय, बुबालस बुबालस जो कि बफेलो यानी भैंस का वैज्ञानिक नाम है, ये हम वैज्ञानिक नाम है, ये पहला नाम जीनस को बताता है और दूसरा नाम स्पीसीज को बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैमेलस ड्रोमाडारियस, ये इसको कहते हैं इंडियन कैमल, सस स्क्रोफा ये है वाइल्ड पिग जंगली सुअर है, गजेला बेनेटी इसको कहते हैं चिंकारा जो कि राजस्थान का स्टेट एनिमल है, मस्कस मस्क डियर का नाम है, सिप ओविस कापरा गोट, जिराफा जिराफ का, एंटीलोप सर्वी कापरा ये है ब्लैक बक यानी जो काले हिरण होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है बाइसन, बाइसन बाइसन का नाम है, हिप्पोपोटामस एम्फीबियस ये है हिप्पोपोटामस का वैज्ञानिक नाम, बोस गारस इंडियन गोर, रूसा यूनिकोलर सांबर का वैज्ञानिक नाम है, एक्सिस एक्सिस स्पॉटेड डियर का नाम है। डायग्राम देखते हैं सबका, ये है गाय और यहाँ पर ये है जंगली सुअर, ये है ऊंट कैमल, ये है बाइसन 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 इसको जंगली भैंसा भी कहते हैं, ये है हिप्पोपोटामस जिराफ गोर, ये है चिंकारा, ये है काले हिरण ब्लैक बक, ये है सांभर, ये गोट और ये स्पॉटेड डियर यानी इसकी जो बॉडी पर स्पॉट पाए जाने का इसको ये नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्राइमेट्स की, जो लास्ट ऑर्डर है प्राइमेट्स उसके बारे में, इसका नाम इस आधार पर क्योंकि ये पूरे मैमल्स में फर्स्ट रैंक है यानी सबसे विकसित होते हैं, ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो इनमें ब्रेन होता है, इसके अलावा जो सेरेब्रम ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग सेरेब्रम है
वो भी इनमें पूरी तरह से विकसित होता है। इसके अंतर्गत लेमोर्स, लॉरिसस, टार्सियर्स, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस शामिल है। एप्स में चिंपांजी, औरंगुटान, गिब्बन्स, गोरिलास और ह्यूमंस को भी हम एप है मानते हैं। नेक्स्ट हुल्लो गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एप है। हुल्लो गिब्बन कहते हैं इसको। मकाका मुलाटा, ये है रीसस मकाक। नेक्स्ट है प्रेस बाइटिस एंटलस, कॉमन लंगूर या हनुमान लंगूर जिसको कहते हैं, या ग्रे लंगूर जिसको कहते हैं। इनका डायग्राम देखते हैं। ये है लेमूर्स, ये है स्लेंडर लोरिस और ये टार्सियर्स। ये है हनुमान लंगूर, ये है हनुमान लंगूर, ये है रीसस मकाक और ये है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र हुल्लो गिब्बन स्पीसीज। और इसी में एप्स में हम शामिल हैं ह्यूमन खुद, यानी मानव खुद इसमें शामिल है। तो प्राइमेट सबसे विकसित होते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन में जितने भी एनिमल्स पढ़ते हैं हम, उन सब में प्राइमेट सबसे ऊपर है। और इन प्राइमेट्स में भी सबसे वेल डेवलप होते हैं ह्यूमंस, मनुष्य, जिनको होमो सेपियंस कहते हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। ये थे क्लास मेमिलिया के वर्गीकरण की बात। क्लास मेमिलिया के बारे में हम जान चुके हैं, इसके वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।